कहां हैं हम, किस ओर जा रहे हैं, कितने प्राण बिसर गए, फिर कभी ना लौटेंगे। अब रक्त बहा, गिरी लाश, धधक रही है क्रोधाग्नि, होली के पहले ही खून की होली, असहाय बनी मानवता, पते ठिकाने की लड़ाई गुम हो गई, बंदूक की नली की तूफानों में फंसा देश, अशांत हो गया, क्या गणतंत्र समाप्त हो गया, कौन देगा इसका उत्तर, और क्या निकलेगा कोई समाधान, तूम और मैं मूक दर्शक, नरक बन गया पुण्य स्थान। नरक, नरक नाम की ये कविता ममता बनर्जी के कलम से उस वक्त निकली थी जब 2020 में दिल्ली दंगे हुए थे। कविता आज भी प्रासंगिक है, अलबत्ता पृष्ठभूमि दिल्ली के बजाय कोलकाता है। और सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये सवाल पूछ भी रहे हैं कि भावुक कवियत्री ममता की कलम से इस मौके पर कविता क्यों नहीं निकलती। दरअसल ममता बनर्जी साहित्यकार हैं, भावुक साहित्यकार। ये कविताएं उनके संवेदनशील मन की तस्दीक करती हैं। आमी शांतो, आमाय शांतो थाकते दाओ, आघाते आघाते आघात प्राप्त, ताई तो हुए थी अकुत भय, आमी झड़, आमी तूफान, आमी टर्नेडो, कखनो आबार उड़न्त घूर्णी, कखनो अग्निशिखा अथवा बन्नी। उनकी 100 से ज्यादा किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्हें कविता के लिए बांग्ला साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका है, लेकिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता के लिए अभी उनकी कलम से कोई कविता नहीं फूटी है। ममता बनर्जी की कहानी में उनकी पहचान यूं तो एक धाकड़ राजनेता की, जो विपरीत हालात में घबराती नहीं है और लहरों के खिलाफ तैरना जानती है। लेकिन सियासत के मैदान में राजनीति राजनीति खेलते हुए वो कई शौक भी पूरा करती, वो मौका मिलने पर गा लेती। कभी कभार सिंथेसाइजर बजाने का भी शौक पूरा करती है। जब वक्त मिलता है तो पेंटिंग करती है। उन्हें पेंटिंग करने का बचपन से शौक है। उन्होंने सैकड़ों पेंटिंग बनाई हैं और खुद उनका दावा है कि उनकी एक पेंटिंग 20 लाख रुपए में बिकी थी और अभी तक उनकी बनाई पेंटिंग से करीब 2.5-3 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है। हद ये कि 2021 में जब चुनाव आयोग ने उनके प्रचार पर एक दिन की पाबंदी लगाई तो ममता धरने पर बैठ गई और वहीं पेंटिंग बनाने लगी। ममता को खाना बनाने का शौक है। ये अलग बात है कि वो खुद ज्यादा मिर्चीदार खाना खा नहीं सकती। ममता बनर्जी का एक राजनेता के तौर पर बिल्कुल अलग अंदाज है। वो बचपन से राजनीति में है और लोगों से जुड़ने के लिए वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती हैं जिससे कई बार हास्य का पुट होता है, लेकिन जो खूब प्रचारित और प्रसारित होता है। ममता बनर्जी बांग्ला भाषी है और उनकी हिंदी बोलने का अंदाज भी निराला है। खास बात ये कि उनका स्वभाव बनावटी नहीं है। ये बात सच नहीं है कि हमारा पार्टी मिनिस्ट्री में ज्वाइन करने चाहते हैं। जो बात प्राइम मिनिस्टर हमारा पार्टी को पहले से कहा है, हम लोगों ने आभारी है प्राइम मिनिस्टर को। अगर कोई किसी ने हमारा पार्टी को क्या ऑप्शन है पूछे तो हम लोग ऑप्शन दिए थे, लेकिन ये बात नहीं है कि हम लोग जाने के लिए मन तैयार किया था। हम लोग बाहर से जो सपोर्ट कर सकता है गवर्नमेंट को, आप लोग नहीं कर सकता है कि आप लोगों को मिनिस्ट्री का जरूरत है, हमारा नहीं है।
बतौर राजनेता ममता बनर्जी ने सादगी को भी अपनी पहचान बनाया है। सफेद रंग की सूती साड़ी, हवाई चप्पल और कंधे पर झोला उनकी ऐसी पहचान बना कि वो अपने आप बंगाल में अरसे तक ईमानदारी की ब्रांड एम्बेसडर बनी रही। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद तक जो सादगी और ईमानदारी ममता की ताकत थी, उसे धीरे धीरे उनकी पार्टी के नेताओं ने ही धूमिल कर दिया। शारदा घोटाला, राशन घोटाला, शिक्षा भर्ती घोटाला जैसे कई घोटालों में ममता के कई बड़े नेता या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। कुछ ने पार्टी बदल ली और कई अपनी गलतियों को छिपाने के लिए विरोधियों पर इल्जाम मढ़ने से नहीं हिचकते। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी अपने जिस भतीजे अभिषेक बनर्जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बता चुकी हैं, वो भी ईडी और सीबीआई के शिकंजे में है। कोल स्कैम और शिक्षा भर्ती घोटाले में उस पर जमकर आरोप लगे हैं, लेकिन ममता हमेशा अभिषेक के पक्ष में खड़ी दिखती हैं। दरअसल अभिषेक से ममता को बेहद स्नेह है। 1990 में जब ममता पर लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने हमला किया था और ममता हॉस्पिटल में थी, तब अभिषेक सिर्फ 2 साल के थे। ममता ने एक इंटरव्यू में कहा था, वो मेरी माँ की गोद में बैठा था और चिंतित होकर मुझे देख रहा था। जब मेरी माँ ने मुझसे घटना के बारे में पूछा तो 2 साल के अभिषेक ने ध्यान से सुना। अगले दिन उन्होंने एक झंडा लिया, दीदी के मरले के नो CPIM जवाब दाओ के नारे लगाए। पिछले साल जून में एक रैली में ममता ने अभिषेक को ही उस वक्त की एक फोटो भी गिफ्ट की थी। वैसे अभिषेक बतौर लोकसभा सांसद जिस तरह संसद में आक्रामक दिखे हैं, ममता उससे खुश होंगी। प्रभु राम आए तो न्याय आया, कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। देश में जनता मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं है। वक्त बदल गया है, थोड़ा सबर रखिए, कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। बहरहाल एक संवेदनशील और भावुक कवयित्री, पेंटर और वादक ममता अभी राजनीतिक चक्रव्यूह में उलझी हुई हैं और ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मौत का दर्दनाक किस्सा उनकी प्रशासनिक काबिलियत पर दाग लगा रहा है। आज तक ब्यूरो।